बच्चों आज हम जोड़ना सीखेंगे। जोड़ना मतलब दो वस्तुओं को मिलाना है, जैसे ये एक उंगली और ये एक उंगली, दोनों को ऐसे मिला दिए तो ये दो संख्या बन गई, इसे जोड़ना बोलते हैं। चलो देखते हैं, यहाँ कुछ मोमबत्तियाँ हैं, गिन के देखते हैं, 1 2 3 4। नीचे में लिखना है 4, कितना मोमबत्ती हुआ, 4। अब आगे कितना है देखते हैं, 1 2 3। अब यहाँ नीचे में लिखो 3, हो गया। अब चलो दोनों को मिला के देखते हैं कितना होगा। चलो गिनते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हुआ, 7। 4 और 3 मिलकर होते हैं 7। अब यहाँ देखो, यहाँ कितना है, कितना खरगोश है, 1 2 3 4 5, यहाँ लिखे 5। अब यहाँ कितना है देखो, 1 2 3 4। अब दोनों को मिला के देखते हैं कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 और 4 मिला के कितना होते हैं, 9। अब आगे देखते हैं, कुछ तितलियाँ हैं उसको गिन के देखते हैं कितना है, 1 2 3, यहाँ 3 तितलियाँ हैं, नीचे में लिखेंगे 3। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ 1 2, यहाँ 2 तितलियाँ हैं, नीचे में लिखेंगे 2। अब 3 और 2 को मिला के देखते हैं कितना होगा, 1 2 3 4 5, नीचे में लिखे 5, 3 और 2 को मिलाकर होते हैं 5। अब फिर से देखते हैं, यहाँ कुछ चिड़िया हैं उसको गिन कर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितना है, 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। अब यहाँ और आगे देखते हैं, 1 2 3, यहाँ पर कितनी चिड़िया हैं, 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। अब सबको मिलाकर देखते हैं कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हुआ, 9। तो बच्चों 6 और 3 मिलाने से, या 3 का 6 और 3 का जोड़ होता है 9। अब आगे देखते हैं, यहाँ 2 मछलियाँ हैं, 1 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, और उसके बाद है, और गिनते हैं कितना है, 1 2 3 4, यहाँ कितना है, 4, तो कितना लिखेंगे, 4। अब दोनों को मिला के गिनते हैं कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ आएगा 6, 2 और 4 को मिलाकर हो गया 6। आओ इन्हें भी जोड़ कर देखते हैं, यहाँ कितना लिखा है, 3, और बीच में क्या चीज़ का चिन्ह है, जोड़ का, है ना, 3 धन 2 बराबर कितना होगा, 5। अब नीचे में देखते हैं, ये कितना है, 2, 2 के बीच में, 2 के बाद है धन, उसके बाद है 3, मतलब 2 में 3 जोड़ना है, तो कितना होगा, यहाँ भी कितना आएगा, 5। अब देखते हैं ये कितना लिखा है, 5, 5 धन 2 बराबर कितना होगा, 7। आओ इन्हें भी हल करें, तुम्हारे पास 4 फूल थे, कितने फूल, 4 फूल, रश्मि ने तुम्हें 2 फूल और दे दिए, अब बताओ तुम्हारे पास कितने फूल हो गए, 4 फूल है, 1 2 3 4, और रश्मि कितना दिए हैं, 2, तो 1 2। अब दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, चलो जोड़ते हैं कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, कितना होगा, 6। रानी के पास 10 मालाएं थी, राजा ने उसे 7 मालाएं और दी, अब रानी के पास कुल कितनी मालाएं हैं, रानी के पास कितनी मालाएं थी, 10, कितनी थी, 10, और राजा ने उसे 7 मालाएं और दी, अब कितना हो गया, 10 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 17।
एक गुलदस्ते में छह लाल रंग के फूल और पांच पीले रंग के हैं। बताओ कि गुलदस्ते में कुल कितने फूल हैं? कितना हुआ? 11। छह में पांच जोड़ेंगे तो कितना होगा? 11।